Thank you, sir. Thank you. And at the moment with us from the Maharashtra Navneet Marsena, and by the way, this is for all of our viewers. Do you think things should be as they are, or do you think we should change? क्या जैसे अभी चल रहा है वैसे चलना चाहिए? इंडिया विच इज भारत, कहीं इंडिया इस्तेमाल करिए, कहीं भारत इस्तेमाल कीजिए. आफ्टर ऑल वी गॉट आई आई टीज, वी गॉट आई आई एम्स, वी गॉट सो मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस. मतलब हर जगह पे इंडिया की जगह पे बी आई बी बी लग जाएगा. मतलब इंस्टेड ऑफ इसरो इट विल बी बिसरो, नॉट बिसरो, बी एस आर ओ एंड सो ऑन. सो तो इंस्टेड ऑफ आई आई टी इट विल बी बिट इंस्टेड ऑफ आई आई टी. फिट इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन भारत, स्किल भारत, फिट भारत, एंड सो ऑन एंड सो. खेलो इंडिया, खेलो भारत, खेलो भारत जी. राइट, लेट्स आस्क हेमंत कांबले साहब. हेमंत कांबले साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के. बाय द वे, द ओनली पार्टी विच हैज रिमेन कंसिस्टेंट, जो डोलते नहीं हैं इधर से उधर थाली के बैंगन की तरह, बिल्कुल फोकस्ड हैं और अपनी राह पर अभी तक चल रहे हैं. हेमंत कांबले साहब, ये मराठा आरक्षण को लेकर के क्या फिर एक बार लॉलीपॉप दे रहे हैं मराठा आरक्षण वालों को कि भाई चार दिन के अंदर अंदर हम लोग जी आर निकालेंगे? वॉट इज गोइंग ऑन सर? हेमंत कांबले साहब. राजू जी नमस्कार. नमस्कार सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय शिव. देखिए, मराठा आरक्षण की बात हो रही है, पर बात क्या हो रही है कि राजनीति हो रही है. देखिए, वो मराठा आरक्षण के लिए इतने सालों से जो आंदोलन हो रहा है, मोर्चा हो रहा है, एक मराठा, लाख मराठा, सकल मराठा, जितने भी मराठा समाज के आंदोलन हुए बड़ी ही शांति से हुए और बड़ी डिसिप्लिन के साथ हुए थे जी. अब अचानक ऐसे क्या हुआ कि मराठा मोर्चा पर जिस तरह से लाठियां भाजी गई, जिस तरह से फायरिंग हो गई, इतने लोग उसमें जख्मी हो गए. देखिए, ये हमारे पक्ष के अध्यक्ष राजसब ठाकरे वहां पर गए थे और उन्होंने ये बात उन आंदोलनकारी को समझाई कि भाई आपके साथ जो राजनीति हो रही है उसको पहले आप समझो, इस प्रश्न को प्रैक्टिकली लो. जिस तरह से इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, देखिए ना कि जिस तरह से उन पर हमला हुआ, जो भी पुलिस ने एक्शन लिया, उसके बाद वहां पर कौन कौन गए थे? शरद पवार जी, जिन्होंने कभी मराठा आरक्षण का सपोर्ट नहीं किया था. उद्धव ठाकरे जी, जिनके संजय राउत जी ने मुक मोर्चा, मतलब मौन में जो मोर्चा निकला था उसको कहा था मुका मोर्चा, जिसकी संभावना की थी, वो उद्धव ठाकरे वहां पर गए. अब उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी अपोजिशन में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एक शिवसेना और राष्ट्रवादी वो वहां पर सरकार में बैठी है, तो बचा कौन? अपोजिशन में कौन है मराठा समाज को आरक्षण देने में? कोई अपोजिशन में नहीं है. जब सरकार बोलती है हम जीआर निकालेंगे, इसका मतलब वो सपोर्ट करती कि वो मराठा समाज को आरक्षण देंगे जी. और यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी, तो बचा कौन? अभी आपके यहाँ पर कौन थे? कांग्रेस के प्रवक्ता थे जी, वो भी कहते कि हम भी मराठा समाज को आरक्षण देने के पक्ष में. तो विरोध कौन कर रहा है? रोक कौन रहा है उनको आरक्षण देने के लिए? पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी को आरक्षण नहीं देना है करके. जो भी निर्णय लेना है वो राज्य सरकार को लेना है. तो राज्य सरकारें इतनी आई इतनी गई पिछले 70 सालों में, किसने रोका था मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए? ये सिर्फ राजनीति की बात है, इनको सिर्फ उसको अपनी अपनी राजनीति चमकाना है. तो हर कोई बोलता है जब विरोध में बैठते हैं तो कहते हैं कि होना चाहिए, और जब सत्ता में जाते हैं फिर कहते हैं कि भाई कोर्ट का ये डिसीजन है, इतना परसेंटेज है. आपको रोकता कौन है? आपको सिर्फ राजनीति करनी, ना तो मराठा समाज को आरक्षण देना. तो पहली बात तो आरक्षण दे के आप मतलब किस तरह का उनको फायदा पहुंचाने हो? तो सभी समाज को समझना चाहिए, फिर मराठा समाज हो या दलित हो या जो भी ओबीसी हो. पहली बात तो आरक्षण, मैं तो कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटस पर होना चाहिए, क्योंकि ये इस आरक्षण की वजह से समाज में जिस तरह की फूट हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ लोगों के मन भड़काए जा रहे, तो आप समझ लीजिए कि ये राजनीति कहां पर जा रही है. क्योंकि आरक्षण से उन पिछड़ी समाजों का
कोई उत्थान करने की जगह पर हर कोई अपनी राजनीति चमकाएगा, तो आगे ये इंडिया का भारत करना है या भारत का इंडिया करना है, ये भारत खड़ा कैसे होगा, भारत महाशक्ति कैसे उभरेगा? हेमंत जी, यू नो राज साहब वहां पर गए थे, 30 मिनट खड़े खड़े सबसे बात किए, उन्होंने कहा कि जस्टिफाई ये अनरीजनेबल प्रोमिसेस ऑफ लीडर्स। राज साहब का कहना है कि जो लीडर्स अनरीजनेबल प्रोमिसेस दे रहे हैं इसलिए हो रहा है। उन्होंने कि डोंट ब्लेम द एडमिनिस्ट्रेशन, आप पुलिस पर उंगली मत उठाइए, आप ये बोलिए जिसके इशारे पे लाठी चली वहां पर उनको माफी मांगना चाहिए। राज साहब ने क्लियर कट एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि दिस हैज बीन डन नॉट बाय पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बट द पॉलिटिकल मास्टर्स, एंड आई थिंक सब्सिक्वेंटली देवेंद्र फडणवीस जी माफी भी मांगा था। तो आपको लग रहा है कि ऐसे स्ट्रेट टॉक करने वाला बोले कि ये अनरीजनेबल जो प्रॉमिसेस दे रहे लीडर्स बार बार, ये लोगों को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, आंदोलनकारी बना रहे हैं, हर चीज सड़क पर लेके आ रहे हैं। कैन यू एलाबोरेट ऑन राज साहब ठाकरे कन्वर्सेशन? एग्जैक्टली, उन्होंने तो देखिए एक यहाँ पर आज की तारीख में पूरे मतलब महाराष्ट्र की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में सटीक बात करने वाला एक ही नेता बचा है जो प्रैक्टिकली बात करता है और जो सच है वो बोलकर अपनी भूमिका हमेशा सामने रखता है। देखिए एक बात बोलता हूँ आपको, मुझे अब एग्जैक्टली उसकी ये तो पता नहीं है, लेकिन गोवारी का एक बड़ा मोर्चा निकला था नागपुर अधिवेशन में और करीबन सैकड़ों लोग वहां पर स्टैम्पेड में मर गए थे। फिर वहां पर देखिए कि पूना में फार्मर्स लोगों पर फायरिंग हुई थी जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की मतलब आगाड़ी एनसीपी की और कांग्रेस की सरकार थी, या अभी जो ये जो हुआ है कल का जो जो मसला हुआ है, तो ये सब बातें हैं। ये कि हर कोई यहाँ पर जिम्मेदारी कौन लेता है, उन्होंने यही बात कही ना कि भाई जिम्मेदारी कौन लेता है, जिम्मेदारी तो कोई लेता नहीं है, हर कोई अपनी राजनीति चमकाने आता। तो आप उन्होंने वही बात समझाई है फिर वो जरांगे मनोज जरांगे और उनके साथी जो बैठे हैं वांछन पर कि भाई आपके साथ राजनीति हो रही है उसको समझो, आप जिस तरह की राजनीति आपके साथ हो रही है उसको समझो और आपके जो समाज है ये मराठा समाज है इसको आगे कैसे लेके जाना है, तो आप इस राजनीति से दूर होके आप समाज को आगे लेके जाइए। लेकिन कामना साहब सबसे बड़ी बात यहां पर ये है, मान लीजिए जीआर इशू भी हो जाता है इट विल बी ओवरटर्न्ड बाय द कोर्ट, मतलब इट इज अल्ट्रा वायरस ऑफ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी रूल्ड, तो ये जीआर के ऊपर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? क्या जितने वहां पर आंदोलनकारी हैं क्या उनको मालूम नहीं है क्या होने वाला है? जब आपको दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, तो उनको नहीं दिख रहा क्या? देखिए यही तो बात कहता ना कि भाई राजनीति की बात है, इस वक्त को कैसे टाला जाए, भाई इनको आप जीआर निकालो फिर आप कोर्ट में जाओ फिर कोर्ट से जो डिसीजन आएगा फिर उनके साथ खेलो, उनकी भावनाओं के साथ खेलो, दे 2024 के इलेक्शन तक उनको यही खेलना है हर चीज से। वो एक लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्टिकुलर टाइम लगता है, जो टाइम उनको जो 2024 के इलेक्शन तक उनको सब चाहिए। अभी बात हुई माफी मांगने की, मतलब पुलिस पर आप ब्लेम मत करिए, राज साहब ने कहा तो बात सही है, उनको जो ऑर्डर्स आते वो फॉलो करते, तो सरकार ने माफी मांगनी चाहिए, तो देवेंद्र फडणवीस जी ने माफी मांगी, तो ऑर्डर कहाँ से आए थे? देवेंद्र फडणवीस जी ने दिए थे, क्योंकि आज की तारीख में होम मिनिस्टर तो वही है, तो ऑर्डर्स वहां से हुए थे, वहां से फॉलो हुए थे, कहाँ से था ऑर्डर, कहाँ से सरकार किसकी है? तो यहाँ पर एक और चीज सामने आ रही है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, एक और चीज सामने आ रही है कि शायद जान करके किया गया ताकि एकनाथ शिंदे साहब की छवि खराब हो मराठों के बीच में, क्योंकि वो खुद मराठा है, और अजीत दादा पवार की भी जो छवि है वो जरा धूमिल हो जाए, ऐसा कहा जा रहा है। कमले सर ने देखिए कैसे है ना कि अजीत दादा पवार भी मराठा समाज से है और एकनाथ शिंदे जी भी मराठा समाज से है, लेकिन इसमें अब मराठा समाज के अजीत पवार जी की छवि खराब होने की बात नहीं आती है, ना तो एकनाथ शिंदे जी मराठा इसके लिए, यहाँ पर तो सरकार की बात आती है ना, दुरुस्त इंडिविजुअल एकनाथ शिंदे या अजीत पवार तो सरकार नहीं चलाते, सरकार चलाते हैं पूरे कैबिनेट चलाता है, एक तीन पार्टी में के सरकार चला रही है, कोई एक पार्टी होती है तीन पार्टी, अभी यह तो गठबंधन जो चल रहा है उसकी सरकार चलती है, तो अजीत पवार या एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ब्लेम आने का सवाल ही नहीं है, वहां पर तो फडणवीस जी के ऊपर ब्लेम आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा ब्लेम तो उनके ऊपर जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री वो है जी, होम मिनिस्टर वो है ना, पुलिस कहां से एक्टिवेट है, किसके अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर जी, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ ही ज्यादा उंगली उठ रही है। लेकिन एक बात कहता हूं ना कि राजीव जी की
आने वाली दिनों में ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे, मतलब या तो कराए जाएंगे, मुझे तो लगता है कभी कभी कि ऑर्गेनाइज होता है कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर लाठियां भांजने की क्या जरूरत क्या थी? मराठा समाज का एक भी आंदोलन कहां पर भी मुझे बताए कि वहां पर हिंसा हुई है इसके पहले? आज तक नहीं हुआ, एक भी बार नहीं हुआ आज तक नहीं। डिसिप्लिन मोर्चा था उनका, जब देखिए कि वहां से निकले थे मुंबई में भी पहुंचे थे करीबन 20-25 लाख लोग, लेकिन कहीं पर भी कुछ आंच नहीं आनी थी, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी, तो फिर अब क्यों, इसी वक्त क्यों? और जो शरद पवार जी आज तक मराठा समाज के आरक्षण को विरोध कर रहे थे, आज वो वहां पर पहुंच गए। लेकिन I am asking you a question of principle, जो आपने जिस चीज से शुरू किया, ये आरक्षण से क्या होने वाला है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपको आरक्षण मान लीजिए मिल भी गया, वेयर आर द जॉब्स? मतलब आपको आरक्षण मिलेगा कहां, मिलेगा किस चीज में मिलेगा? वही बात है, इसके पहले की भी डिबेट में मैंने यही बात कही थी कि भाई गवर्नमेंट्स में आपके जॉब ही नहीं है, सब कुछ आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हो, तो यहाँ पर जॉब नहीं है, आपको एजुकेशनल रिजर्वेशन चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी? नौकरी की जरूरत थी। अब नौकरियां ही नहीं सरकारी बची तो आरक्षण आप दोगे क्या? क्या देख कर करोगे क्या जी? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इस पॉलिसी को फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि आरक्षण से लोगों के मन मुटाव बढ़ रहे, जिन्होंने अब तक आरक्षण लिया है उनके खिलाफ, वो एक कितने परसेंटेज थे? अभी तक ओबीसी का जो आरक्षण हुआ, जो 27% आरक्षण आ गया मंडल आयोग के बाद जी, उसके पहले आरक्षण, तो आरक्षण के वो मात्रा कितनी थी, उनकी संख्या कितनी थी? अब 27% वो हो गया, एसटी एनटी सबको आरक्षण, अभी आप मराठा समाज को भी आरक्षण देना है तो सबको आरक्षण खुला ही रखिए ना। आरक्षण ऐसी जगह पे खुला रखिए कि सबको आरक्षण दे, लेकिन ये एक मतलब आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर आप उसको दीजिए, ये मनमुटाव रहने दीजिए। अब समाज में दरी कहीं ना कहीं ये फूट हो रही है, इस फूट को और इस समाज को टूटने से बचाने के लिए सभी को एक होकर सोचना पड़ेगा, इस पॉलिसी को कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन अब बोलिए बोलिए जी जी प्रदीप जी बोलिए ना। राज ठाकरे साहब ने सबसे ये भी बात किया कि द फॉल्स प्रॉमिसेस बाय पॉलिटिकल लीडर्स, आप इन पे विश्वास मत करो, आप खुद एनालाइज करो। फिर राज साहब ने एक उदाहरण दिए कि शिवाजी महाराज के जो स्टैचू होना चाहिए था अरेबियन सी में, बहुत चर्चा हो गया, पूरे सब लोग एकत्र हो गए, उस चीज को वाहवा करने लगे, उस पे कमीशन लोग बैठने लगे, लोग देखने लगे, आश्वासन बिलीव किया। तो शिवाजी महाराज का पुतला, राज साहब का कहना था कि अरेबियन सी में हो ही नहीं सकता था, मगर पॉलिटिशियन बोल दिया कि होगा, ये सबसे बड़ा पुतला होगा, एंड दे क्रिएट अ वेव इन द फरोर एंड अल्टीमेटली नेवर हैपेंड, इट नेवर हैपेंड। तो वो उदाहरण दे दिया, तो उसमें थोड़ा एलाबोरेट करेंगे अबाउट द स्टैचू, ग्रैंड स्टैचू ऑफ शिवाजी महाराज जी। देखिए उनका तो स्टैचूज और इसको पहले से विरोध है। अगर शिवाजी महाराज का इतिहास हमें मतलब आगे बढ़ाना है या हमारे आने वाली नस्लों को अगर सिखाना है या दिखाना है, तो शिवाजी महाराज ने जो 350 किले इस महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी जो बनाए, उन किलों को हमें कहीं ना कहीं रखना, कंजर्व करना पड़ेगा, उनको अच्छी कंडीशन में लाना पड़ेगा। आज की तारीख में रायगढ़ की हालत क्या है, प्रतापगढ़ की हालत क्या है, सिंधुदुर्ग फोर्ट की हालत क्या है, जितने फोर्ट्स है उनको आप ये करिए ना। अब आप अरेबियन सी में अगर शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाने की बात करें, कितने साल हो गए उसको? 6 साल हो गए जी। उसके जल पूजन, भूमि पूजन तो बोल नहीं सकते, जल पूजन को करीबन 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, अब तक तो वहां पर कुछ बना नहीं। और कहीं ना कहीं एक राज साहब खुद एक आर्टिस्ट है और उन्होंने यही बात कही थी कि भाई आप अगर 300 फुट का अगर शिवाजी महाराज का स्टैचू बना रहे हो तो उसके लिए जो उनका घोड़ा है वो घोड़ा कितने फीट का बनाना पड़ेगा आपको, ये बात रही। दूसरी बात तो इंदू मिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जो स्टैचू बना रहे, उनका भी विरोध था, खुद प्रकाश अम्बेडकर जी ने कहा था, इसका समर्थन किया था कि भाई अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप ज्ञान का सागर कहते हो तो उनके नाम का इतना बड़ा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाओ, इतने बड़े स्टडी सर्कल बनाओ कि दुनिया की सब बुक्स वहां पर मिले।
अच्छे अच्छे मतलब स्टूडेंट्स जो अलग अलग इसमें पढ़ते हैं उनको वहां पर पढ़ाई करने के लिए स्टडी रूम्स होने चाहिए, ये सब अलग तरह की सोच होनी चाहिए इसके लिए। मैं यही बोलता हूँ और राज साहब यही कहते हैं कि भाई आप इतनी बार इमोशनल लोगों को इमोशनल दुरुस्त बात आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। अब सरदार वल्लभ भाई क्या है जो आपने स्टैचू बनाया जी, तो उसे सरदार वल्लभ भाई के काम की कितनी प्रेरणा मिली वहां के युवकों को, युवकों को या लोगों को, आपने एग्जैक्टली किया क्या? और चीन का विरोध करके, चाइना का विरोध करके आपने वो स्टैचू बनाया कहां पर? चाइना में। चाइना में, दैट्स राइट। तो आपकी आइडियोलॉजी क्या है? पावर में कोई भी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आपके विचार क्या है? आपको प्रोग्रेसिव विचार होने चाहिए। हमारे यहाँ पर आज सूखा पड़ने की नौबत है राजीव जी, सूखा पड़ने की नौबत है, आप उसकी तरफ सोचेंगे या इन सब इमोशनल मसलों में लोगों को उलझा कर रखेंगे? और जहां तक के छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रश्न है, ये बात मैं ना जाने कितनी मर्तबा बोल चुका हूँ, इसके ऊपर मेरा और आपका भी डिस्कशन हो चुका है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले हैं और उसके अलावा जो राज ठाकरे जी का जो बहुत पहले का सजेशन है कि एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया जाए जिसके अंदर इट शुड बी लाइक अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ व्हाट छत्रपति शिवाजी महाराज स्टूड फॉर, पीपल शुड बी अलाउड टू डू PhD देयर, पीपल शुड डू MPhils एंड PhDs एंड अदर थिंग्स इन द काइंड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वाज ब्रॉट अबाउट बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। और जो उनके किले हैं, अरे उनको तो रेस्टोर करो, स्टार्ट अ छत्रपति टूर, एक स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए एक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे छत्रपति टूर नाम भी दिया गया था, और तो और छोड़िए सब कुछ था, आज तक किसी ने उसके ऊपर एक उंगली नहीं उठाई है। तो मतलब व्हाट आर वी डूइंग, आई रियली वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कमलेश। राजीव जी, शिवाजी महाराज का निधन हुआ था 1680 में और उसके 27 साल बाद औरंगजेब का निधन हुआ जी। लेकिन 1680 में शिवाजी महाराज का निधन होने के बाद करीबन, अगर मैं गलत नहीं हो तो 1683 या 1685 में औरंगजेब जो है यहाँ पर आया था महाराष्ट्र में, और करीबन 25 से 27 साल वो महाराष्ट्र में रहा, जब तक उसकी मौत औरंगाबाद में हुई तब तक वो यहीं पर था। शिवाजी महाराज का निधन होने के बावजूद भी औरंगजेब को वो डर था शिवाजी महाराज के नाम का, तो आप समझिए कि 350-400 साल भी, साल के बाद भी शिवाजी महाराज नाम का एक विचार अगर महाराष्ट्र को नहीं, देश, हमारे देश को प्रेरणा देता है, देश के बाहर के वियतनाम और कितने लोगों ने इसको सराहा है शिवाजी महाराज के जो गोरिल्ला वॉर के नीति को जी। तो हमें ये किले, ये हमारी धरोहर है, तो आने वाली नस्लों को हम शिवाजी महाराज का इतिहास अगर ठीक से बता नहीं पाएंगे तो हमारा इतिहास ही क्या रहेगा, उस इतिहास की मतलब अहमियत क्या रहेगी? ये अगर इन पॉलिटिशियंस, इन राजनीतियों को, इन राज्यकर्ताओं को समझ भी नहीं आती तो समझता है इनको राजनीति का कोई हक ही नहीं है, किसकी राज, कौन सी राजनीति कर रही है जी। यू नो एनदर कैंपेन, हेमंत जी आपने जो कैंपेन किया था मुंबई गोवा, मुंबई गोवा बहुत जरूरी था, 17 साल से वो रोड वैसे ही है, आज भी वही है। आपके कैंपेन जिसमें आप जैसे नेता भी सड़क पर उतर गए थे, आपने भी वॉक करना शुरू कर दिया था आंदोलन में, राज साहब के कंधे पर कंधे लगा के आपने प्रोटेस्ट कर दिया। रविंद्र चौहान जी ने बोला कि वन हम सिंगल वे को हम लोग गणपति से पहले बना देंगे, मगर वहां से जो खबर आ रहा है, जो लोकल रिपोर्ट्स आ रहा है कि वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नॉट आपने एक एक सिंगल वे भी वो पूरा बना के आपको दे नहीं पाएंगे। ये आंदोलन जो आपने किया, उठाया करप्शन, हर चीज को आपने इस प्रकार से हाईलाइट कर दिया, अगर वो हो नहीं रहा गणपति के सामने तो क्या प्लान भी कुछ आपके पास है हेमंत जी? प्रदीप जी, एक डिबेट होने के बाद मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जो जहां पर जो राज साहब की सभा हुई थी उस जागर यात्रा के बाद, उसके 2 या 3 किलोमीटर पहले मैंने एक वीडियो किया है, वो वीडियो मैं आपको भेजता हूँ, जो सिटी बी मटेरियल यूज करके वो एक लेन जो तैयार कर रहे हैं। अभी ये सिटी मटेरियल, सिटी बी मटेरियल कहाँ पर यूज होता है? ज्यादातर तो जो एयरवेज के जो ये होते हैं एरोप्लेन के, उसके लिए यूज होता है।
आप देखिए जिस तरह का मटेरियल यूज किया गया है वो इतना लो क्वालिटी का मटेरियल है, तो ये टिक नहीं पाएगा रास्ता। बारिश थोड़ी बंद है, बारिश होती है तो आप समझ जाएंगे। आज ही हमारी मीटिंग टोल पर हुई है, जितने हमारा जो टोल का मुद्दा, जो 1 अगस्त को हमारा जो आंदोलन हुआ था सभी टोल नाकों पर, जितने भी टोल प्लाजा है, मुंबई एंट्री पॉइंट हो या दहिसर हो, मुलुंड हो, वाशी नाका हो, थाना हो, या महाराष्ट्र में जहां पर भी, उस पर हमारी मीटिंग हुई। और MSRDC और इनको हम अगले 11 या 13 तारीख को हम लोग मिलने जा रहे हैं उनको। तो हमने ये मुद्दे को पकड़ के रखा है। और इस मुंबई से गोवा हाईवे की ही बात नहीं है, तो महाराष्ट्र के जितने रोड्स है, जितने खराब रोड्स है, मैं नासिक के एक जगह पर आपको जो एक्सीडेंट प्रोन एक जगह है कि भाई रॉन्ग वे से गाड़ियां आती है तो एक्सीडेंट से संभालिए, ये बोर्ड किसने लगाया है? MSRDC ने। MSRDC ने ही बोर्ड लगाया कि रॉन्ग वे से गाड़ी आ रही है, आप संभालिए। आप बताइए कि किस तरह से काम चल रहा है यहाँ पर। तो सिर्फ मुंबई गोवा हाईवे नहीं, सभी जगह पर हम ध्यान रखे हुए। आज ही करीबन 2 से 2.5 घंटा हमने एक टोल के ऊपर जो पॉलिसी हम कर रहे हैं, अभी आगे वाले दिनों में जो हमारा आंदोलन होगा, जिस तरह से हम MSRDC और इनको इनके ऑफिशियल से हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे फिर मुलाकात करेंगे, फिर आपको पता है आगे हम क्या करेंगे जी। और जहां तक के मुंबई का खुद का प्रश्न है, मुंबई में भी आज की तारीख में इनकी किस्मत अच्छी है कि बारिश बंद हो गई है, क्योंकि बारिश नहीं आ रही। अगर बारिश आ रही होती तो अभी अभी जो भी उन्होंने रोड रिपेयर करी हैं उनकी भी हालत अभी तक खराब हो जाती। और कई कई जगह तो ऐसी है जहां पर बारिश के ना आने के बावजूद भी वो जो इन्होंने जहां जहां पे अलग अलग वो पेवर्स लगा दिए हैं रोड पे, दे हैव ऑल्सो कम अप सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल्स। सो व्हाट आर दे डूइंग? आई मीन आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। राजीव जी, इसको रिपेयरिंग नहीं कह सकते हम, रिपेयरिंग वर्ड नहीं कह सकते हम। ये पॉट होल्स को उन्होंने मिट्टी डालकर या पेवर ब्लॉक बिठाकर कहीं ना कहीं इसको सेटल किया है जी। जो टेम्पररी है, जो 2 दिन के लिए हो सकता है, 20 दिन के लिए हो सकता है। जिस दिन अगर फिर से अगर बारिश होती है तो आप मुंबई में वही गड्ढे वापस देखोगे, उसी तरह के गड्ढे वापस देखोगे। तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। फ्राइडे को मुंबई के जो यहाँ पर नॉर्थ मुंबई से मतलब दहिसर से लेके बांद्रा के जो डिप्टी चीफ इंजीनियर, उनके साथ मेरी मुलाकात है, अपॉइंटमेंट है, यही गड्ढे पे मुद्दों पर हम इसको इस पर बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर, मतलब जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। और आज ही हमारी एक बात डिसाइड हुई कि इसके आगे से इन गड्ढों पर, इन गड्ढों के कारण कोई एक्शन होता है और किसी की मौत होती है तो उसको कंपेंसेशन हमारे, देखिए कोई लैंडस्लाइड है तो भी 5 लाख होता है, कोई एक मेजर एक्शन होता है कोई पर आगजनी होते तो भी 5 लाख ही गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाता है। ये 5 लाख का मसला क्या है? 5 लाख में होता क्या है? इसलिए अगर रोड में गड्ढा है फिर वो MSRDC ने बनाया रोड हो, या फिर आपका BMC ने बनाया रोड हो, या PWD ने, जिन गड्ढों पर एक्सीडेंट होता है और जिनके कारण एक्सीडेंट होता है, हम सरकार की तरफ मांग करने वाले हैं, हमारे जो MLA है उनसे हम कहने वाले हैं कि इस मांग को आप विधानसभा में रखिए कि जो भी विक्टिम होगा उसके जो परिजन होंगे उनको 1 करोड़ का वहां पर उनको जो उनकी नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। और वो पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खाते से नहीं जाएगा, जो वहां पर चीफ इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, सब इंजीनियर है और कॉन्ट्रैक्टर, इनसे सबसे वसूलो। क्योंकि जब तक इनके ऊपर हम चाप नहीं लगाएंगे, इनके ऊपर हम लोग ये नहीं लगाएंगे, बंधन नहीं रखेंगे, तब तक ये रोड की क्वालिटी सुधरेगी नहीं। देखिए राजीव जी, आपको याद होगा कि RR पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे जी। तो जो देसी दारू, मतलब जो उसको गावटी बोलते हैं, गावटी दारू जो है, उसके बहुत सारे विक्टिम हुए थे, बहुत सारे लोग मरते थे, जो ताड़दे में हुआ था या मलाड में, बहुत जगह पर ऐसे वाकई हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि जहां पर जिस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में ऐसी दारू अगर मिलती है, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, तो वहां का सीनियर इंस्पेक्टर सस्पेंड होगा। उसके बाद देखिए कि बहुत अच्छी तरह इस मामले को उन्होंने हैंडल किया था कि गावटी दारू कहीं पर भी मिलती नहीं थी। तो मैं कहता हूं कि इसी तरह से इन गड्ढों को अगर ठीक तरह से करना है, हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है, तो
जो भी कंपेंसेशन होगा वो चीफ इंजीनियर रोड से कोई भी जिसमें पीडब्ल्यूडी या जो बीएमसी किसी भी, तो चीफ इंजीनियर से लेके सब इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर इन सभी से वसूला जाए। उनका काम क्या होता है, हर एक का एक ज्यूरिडिक्शन होता है। एक चीफ इंजीनियर का ज्यूरिडिक्शन अगर बांद्रा से दहिसर है तो उनकी जिम्मेदारी है वो, अगर छोटा सा भी गड्ढा होता है जो भी होता है उस गड्ढे की मरम्मत करना उनकी जिम्मेदारी है। हमें क्यों उनका उनके लिए बार बार आंदोलन करने पड़ते हैं, लेटरबाजी करनी पड़ती है, किसी को भी क्यों लेटर लिखे, आपकी ड्यूटी है वो, आपको करना पड़ेगा। यू नो हेमंत जी, डू यू बिलीव मिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड एकनाथ शिंदे, व्हेन बोथ ऑफ देम, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे दोनों बोल रहे हैं कि एक साल के अंदर पूरे मुंबई और महाराष्ट्र खड्डे मुक्त होगा। आगे जाके फडणवीस जी बोल रहे कि हमारे सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में वी आर नंबर वन वे इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, नंबर वन इन एफडीआई महाराष्ट्र। उन्होंने बोले कोंकण जो जहां आपका आंदोलन हुआ था, बोले कोंकण के विकास के लिए हमने बहुत जबरदस्त प्लान्स शामिल किए, बोले कि वंदे भारत ट्रेन्स वहां पर चालू हो गए, काजू बोर्ड हमने वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया, हमने सिंधुदुर्ग में वो चिपी एयरपोर्ट हमने ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दिए, रेलवे स्टेशन जितने भी है उसका रीडेवलपमेंट, यू नो। तो हाउ डू यू बिलीव ये सब हुआ है क्या, बिकॉज आप अभी आंदोलन भी किए थे उसी क्षेत्र से आते आते जाते जाते आपने सब देखा भी है, लोगों से मिला भी है। हाउ डू यू सी द क्लेम्स ऑफ देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे जी? कांबड़े साहब देखिए, अभी क्लेम करने के लिए देवेंद्र जी तो बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं और बड़े बड़े आंकड़े तो ऐसे देते हो, बहुत बड़े बड़े आंकड़े देते। देखिए कल्याण डोंबिवली का इलेक्शन चल रहा था कॉरपोरेशन का, तभी उन्होंने वहां पर कहा था मैं 6,500 करोड़ की राशि इस डोंबिवली कल्याण मतलब केडीएम से क्यों देता हूं, कितने दिए। नासिक 2017 में नासिक कॉरपोरेशन इलेक्शन में उन्होंने कहा था इस नासिक को मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, मैं गोद ले रहा हूं नासिक को। आप देखिए 2012 से 2017 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हाथ में नासिक था, सभी ने उस काम को सराहा था। हमारे जो वहां के मेयर थे, महापौर थे यतीन वाघ, उनको अमेरिका में उसका पुरस्कार मिला था। वहां के रोड्स देखिए, वहां का चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क देखिए, वहां का बटरफ्लाई गार्डन देखिए, या वहां का गोदा पार्क, सब काम हमने सोशल कॉर्पोरेट सोशल जो फंड होता है वहां से किए थे। अब फडणवीस जी तो बड़े बड़े आंकड़े फेंकते हैं, मतलब आंकड़ों की तो भरमार है। 33 लाख कुएं खोदे थे इन्होंने, 50 करोड़ तो पेड़ लगाए थे, कहां गए 50 करोड़ पेड़। तो ये चिपी एयरपोर्ट हो या फिर पीक बीमा की बात हो, मैंने अभी अभी आंकड़ा सुना है वहां पर कि 8 करोड़ का, मतलब पूरे कोंकण के लिए 8 करोड़ की कुछ उन्होंने राशि मंजूर की है पूरे कोंकण में। पिछले भी डिबेट में मैंने कहा था आपको 1,72,000 हेक्टर जमीन पर काजू की ये होती लागत होती है और 1,55,000 हेक्टर पर हापुस अल्फांसो मैंगो आप बोलते हैं हापुस आप उसकी ये लागत होती है। तो अब इतने बड़े पैमाने पर जहां पर, क्योंकि देखिए एक जो रत्नागिरी जिला है वो फ्रूट कल्टीवेशन के लिए रिजर्व है और सिंधुदुर्ग जिला है ये आपको टूरिज्म के लिए रिजर्व है, फिर कोंकण में आने वाले थाना रायगढ़ पालघर और थाने पालघर ये जिले जो है ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो सिर्फ ये दो बेल्ट है, दो जिले के लिए आपने क्या दिया 8 करोड़ रुपया। तो बड़े बड़े फिगर्स बोलते हो आप, हमने इतना दिया हमने उतना किया, फार्मर्स लोग के पर कहां पहुंचता है, फार्मर्स लोगों के पास कहां पहुंचता है? अगर पहुंचता तो मराठवाड़ा और विदर्भ में इतने किसान आत्महत्या क्यों करते? अब सूखा पड़ने वाला है, बारिश का नामो निशान नहीं है जी। अब देखिए सितंबर आ गया है, सितंबर के जो 5 दिन तो हो गए, तो आने वाले दिनों में अब जितने भी स्टडी ग्रुप है वो कहते हैं कि भाई आने वाले दिनों की आप यहाँ पर प्रोविजन करिए। कल ही अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर रिपोर्ट दिया है, रिसर्च पेपर दिया है कि जिस तरह से बोरवेल से पानी हम खींच रहे तो एक दिन यहाँ का पानी खत्म हो जाएगा। करेक्ट, जब पानी कंजर्व ही नहीं हो रहा है तो पानी आप बोरवेल की ये सिस्टम कहाँ से लेके आ रहे हैं? पानी वेस्ट हो रहा है, हमें नदी जोड़ प्रकल्प को करना था, प्रोजेक्ट को करना, तो वो तो आपने किया नहीं।
कोंकण में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो पानी तो पूरा समुद्र में बहते जा रहा है, उस पानी को आपने रोकने की कोशिश नहीं की, ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं किए, तो इन इनके पास कोई विजन नहीं है। भाई आपके पास विजन नहीं तो हमारा विजनरी डॉक्यूमेंट ले लीजिए, हमने जो बनाया है सर वो नहीं होगा, वो नहीं होने वाला कामले साहब, वो तभी होगा जब आप सत्ता में आएंगे, जब महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वोट देंगे और राज ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी होगा, उसके पहले नहीं होगा। सर चलते चलते एक छोटी सी बात सर, क्योंकि आपने बात छेड़ी, बाय द वे जो 50 करोड़ पेड़ लगाए थे वो कौन से थे, कौन सी वैरायटीज के पेड़ थे, उनका कुछ बायोलॉजिकल नेम होगा, कुछ होगा, कुछ मालूम है सर आपको? क्यों, मुझे मालूम नहीं है, आई हैव ओनली हर्ड 50 करोड़ सैपलिंग्स, लेकिन कौन से पेड़ थे, क्या थे, कुछ मालूम है सर आपको? नहीं, ये तो सुधीर मुनगंटीवार जी बताएंगे, क्योंकि वन मंत्री वो थे, 50 करोड़ पेड़ लगाए थे तभी जी, उनके पास ही उनके नाम होंगे, कौन से पेड़ लगाए थे और कहां पर है। 50 करोड़ पेड़ किसको कहते हैं राजीव जी, 27,000 गांव है हमारे यहाँ पर, एक नया जंगल आपने क्रिएट किया ना, बल्कि उससे भी बड़ा, यहाँ पर धड़ल्ले से पेड़ काटे जाए, फिर आरे का जंगल हो या कोंकण में देखिए जितने भी स्टोन क्रशर के प्लांट्स है और सब धड़ल्ले से जंगल काटे जा रहे, उसके लिए कोई बात नहीं था, और यहाँ पर मैनग्रोव्स को जो है मैनग्रोव्स खत्म किए जा रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमने 50 करोड़ पेड़ लगाए, 33 लाख हमने कुएं खोदे जी, भाई कहाँ खोदे वो तो बताइए, मुंबई गोवा हाईवे पे सर दिखते है ना, मुंबई गोवा हाईवे की तो बात ही छोड़िए, 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 32 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर का खर्चा हो गया अब तक, लेकिन रोड तो हुआ नहीं है। अब इसके लिए व्हाइट पेपर की हम बात करते हैं, विधानसभा में हमारे जो एमएलए हैं उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आप मांग करो कि इसके लिए श्वेत पत्रिका डिक्लेयर करो कि बताइए ये खर्चा हुआ कहां पर, गया कहां से पैसा, मतलब समृद्धि महामार्ग बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन के साथ 8 से 9 करोड़ रुपए खर्चा आता है, लेकिन कोंकण में मुंबई गोवा हाईवे का जो खर्चा है वो पर किलोमीटर, आप देखिए 500 किलोमीटर का रोड है मुंबई गोवा और उसपे खर्चा हुआ है 15,556 करोड़, right. देखिए 32 करोड़ रुपया पर किलोमीटर खर्चा, पर किलोमीटर 30 सर वो द्वारका वाली हाईवे उससे अभी कम है, वो उसपे 251 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पर किलोमीटर, उससे कम है सर। हेमंत जी का एनालिसिस बहुत जबरदस्त, स्टैटिस्टिक्स पर किलोमीटर पर एकदम जबरदस्त होता है हर चीज में। नहीं, वो जो सीए जी की रिपोर्ट आई है ना, वो द्वारका वाली जो जी वो द्वारका वाली रिपोर्ट वो जानबूझकर लाई गई है, इसके लिए नितिन गडकरी जी ने जो मोदी जी को एक लुक दिया था कि भाई ये इनकी आपस की राजनीति है कि द्वारका का ही रिपोर्ट बाहर आ गया 250 करोड़ पर किलोमीटर, वो समझ के बाहर की बात है कि द्वारका में ऐसी कौन सी रोड, मतलब हमारे चंद्रयान के लिए अगर 650 करोड़ रुपए खर्चा आता है जी और 15,000 करोड़ में हमारा मुंबई गोवा रोड बनता नहीं, तो मुझे लगता है चंद्रयान से हमें चंद्र में जाके चांद पर जाकर ज्यादा मुनासिब होगा। वो जी बिल्कुल, वो पाकिजा का गाना है ना, चलो दिलदार चलो चांद के पास चलो, वही करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज, and I hope the people of Maharashtra wake up and actually vote for the party which has really been working for them, which is the MNS and Mr. Raj Thackeray. Let's be very clear, I've been saying that each time we have somebody from the MNS talking to us. Thank you so much, Mr. Hemant Kable. Always a pleasure talking to you. Thank you very much. Namaskar, sir. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shiva. Jai Bhavani, Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you very much. This is